हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी के लिए। अभी सुबह बज रहा है, घड़ी में 3:45। हमको जाना, हम जो गेट जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी फार, इट इज़ अबाउट 1 hour 15 minutes। हमको जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि 5:15 का सफारी है। तो यहाँ पे दे हैव कैप चाय कॉफ़ी रेडी, सो हम वो पियेंगे। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी कॉर्नफ्लेक जो भी है, आपको थोड़ा बहुत कुछ खा के जाना है, कुछ पी के जाना है, एवरीथिंग इज़ रेडी। फटाफट हम लोगों ने भी एक चाय एक कॉफ़ी पिया और निकल पड़े हैं। तो चलिए चलते हैं। सो दिस इज़ द रिजॉर्ट। सुबह 4:15 बजे, मतलब एकदम सुनसान, एकदम सुनसान, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड जाते हैं अभी हम, हमारा जो गेट है दैट इज़ नव गाँव। तो हो गया हमारा चाय पी के ख़त्म। अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द गाड़ी, गाड़ी लेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और फिर जाएंगे टू 5:30 का हमारा सफारी है। सो दिस इज़ हाउ दे कीप द खाना रेडी, हुएवर इज़ गोइंग फॉर सफारी द फूड इज़ रेडी एंड केप्ट लाइक दिस। सो हम निकल पड़े हैं टूवर्ड्स नागपुर। दिस इज़ द रोड फ्रॉम हमारा जो जंगल कैंप है, द रिजॉर्ट। यहाँ से रिजॉर्ट के बाहर ये है रास्ता। सुबह अभी बज रहे हैं 3:59 और हम पहुँचेंगे इन 1 hour 20 minutes, सो दैट्स क्वाइट अ ड्राइव। तो चलिए चलते हैं एक साथ एंड लेट्स सी आज लक कैसा है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, अभी 5:14 हो गया है। आगे एक तो वैन दिख गए सफारी के लिए, देख के ही खुश हो गए हम लोग कि ये दिख गए। चलो चलते हैं टूवर्ड्स द गेट। तो एट लास्ट हम पहुंच गए हैं नावेगांव सफारी पे। सब इधर तैयारी फुल ऑन चल रहा है, पीपल आर ऑल गेटिंग सेट। हम भी जाते हैं, जाके सेट हो जाते हैं। चलो जाके थोड़ा सा फॉर्मेलिटी जो है वो सब फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करते हैं। हमारा आधार कार्ड देना होगा, सब डिटेल देना होगा एंड देन वील गेट अ गाइड एंड वील गेट द गाड़ी एंड देन वील गो। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन। फाइव ट्वेंटी नाइन शार्प और गेट खुल गया है और हम अंदर आ गए हैं। दिस इज़ द बफर जोन। अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हम जंगल में हैं। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू द जंगल। यहाँ के कुछ रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे गेट से निकले तो जंगल में कई गाड़ी के नीचे उतरना अलाउ नहीं है। आपके पास कोई भी प्रकार की चीज़ों, प्लास्टिक होगा, गजब बार मटल गाड़ी में रखिए। टेप्रिका और हॉर्न बजाना मना है, उग्रा बात करना सब मना है, मोबाइल यूज करना मना है। तो आप इस ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में आए तो ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये नाम कैसे गिरा? तो यहाँ पे तारू नाम का मुखिया रहता था, पहले घोड़े से सवारी करता था, जंगल में रहता था। लेकिन क्या हो गया, तारू का और बाप का झगड़ा हो गया तो बाघ ने तारू को मार डाला, तारू के नाम से ताड़ोबा नाम गिरा। अंधेरी इस जंगल से अंधेरी नदी गई इसलिए अंधेरी नाम गिरा। टाइगर रिजर्व हो, बाघ की संख्या ज़्यादा गिरी इसलिए टाइगर रिजर्व बना दिया। तो ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कोर एरिया 625/40 square kilometers, बप्पर एरिया 1100 square kilometers, यानी कोर बप्पर मिला के 1700 square kilometers पूरा ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। तो 1700 square kilometers में टोटली टाइगर 115 और 150 स्नोथ बेयर, 25 लेपर्ड। तो बहुत से टूरिस्ट बोलते क्या 115 टाइगर है तो दिखता क्यों नहीं? कैसा है सर, जैसा कोर में पॉपुलेशन ज़्यादा है टाइगर का, लेकिन
कोर में 625 बाई 40 स्क्वायर किलोमीटर में 80% सुप्रीम कोर्ट ने जंगल बंद रखा है, 20% चालू रखा है। तो 20% में अंदाजे मैं बताता क्या 10-12 टाइगर कम हो बैठे सब, तो उनका निकलने का टाइम अपना जाने का टाइम एक हुआ तो चांसेस बन सकता है, और कुछ जानकारी पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले फोकस करेंगे टाइगर बर्ड्स। लेकिन बाइसन नहीं, इंडियन गोर है, जंगली भैंसा। Thank you.
से एक मंदिर है। ये पूरा दिन ऐसे ही लेटा रहेगा? नहीं नहीं, 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 नहीं। That was our first safari for the day, and on that note I will say tata, bye bye, take care. Agar acha laga hai to do like, share, subscribe, comment, and see you until my next vlog coming with another safari very soon.